सभी साथियों को मेरा जय हिंद। और बहुत अच्छी खुशखबरी है कि इंडियन आर्मी में आपकी परमानेंट बेस पे भर्ती आ चुकी है। आप लोगों को काफ़ी लंबे टाइम से जिस भर्ती का इंतज़ार था इंडियन आर्मी में परमानेंट बेस पे, और आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते थे कि सर नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती कब आएगी या रिमाउंट वेटनरी कोर की भर्ती कब आएगी, तो फाइनली भर्ती आ चुकी है और साथ ही आ गई है भर्ती धर्मगुरु की भी। बहुत से लोग कमेंट्स भी कर रहे थे सर हम धर्मगुरु कैसे बन सकते हैं, तो आज की वीडियो पूरा देखना। आपको नर्सिंग असिस्टेंट और आपको धर्मगुरु दोनों भर्तियों के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा, पूरा क्राइटेरिया बताऊंगा, साथ ही उसमें कोई भी आपको डाउट्स नहीं रहेंगे, इसलिए पूरा सिस्टमेटिक वीडियो बनाऊंगा। तो जो पहला टॉपिक है वो है हमारा सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट का। देखा होगा आपने कि बाकी ट्रेडों की अग्निपथ के थ्रू भर्ती चल रही है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था कि नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती परमानेंट बेस पे होगी। उसी प्रकार हमारे आर्मी एजुकेशन कोर हौलदार की भी और धर्मगुरु की भी। तो चलिए आज बात कर लेते हैं सबसे पहले हम नर्सिंग असिस्टेंट की। और दूसरी खुशखबरी की बात यह है कि इसमें भी एज का जो क्राइटेरिया है वो 25 ईयर्स रखा गया है, यानी कि इसमें भी 2 साल की छूट दी गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो जो उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है वो 1 अक्टूबर 2022 से 30 अक्टूबर 2022 तक भरे जाएंगे। तो उससे पहले आप अपना फॉर्म भर लें और ये देख सकते हैं आप पूरा उसमें क्राइटेरिया बता रहा है कि किस किस प्रकार आप भरें। चलिए अब बात कर लेते हैं सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड के एजुकेशन क्राइटेरिया की। आपको पता ही होगा कि सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपको 12th पास ही है। 12th पास में आपके ओवरऑल 50% और किसी भी विषय में आपके 40% से नंबर नीचे नहीं होने चाहिए, और आपके सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विद इंग्लिश, या आप 12th पास हैं साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% मार्क इन ईच सब्जेक्ट। और जो एज रखी गई है वो रखी गई है 17.5 से लेके 25 साल तक। तो ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। और हरियाणा वाले छोरों के लिए जो इसमें हाइट का क्राइटेरिया है, जो हिमाचल के कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट का क्राइटेरिया है वो है 163 सेंटीमीटर, और अगर दिल्ली के लड़कों की बात करें तो उनके लिए हाइट का क्राइटेरिया है 170 सेंटीमीटर, और उसके बाद चेस्ट आपकी 77 और फलानी के बाद में आपकी 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होनी चाहिए, और आप पूरा वेट चार्ट दे सकते हैं हाइट के अकॉर्डिंग। दोस्तों जो सर्विसमैन के बच्चे हैं उनको हाइट में 2 साल की छूट, सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन या जिनके भाई हैं या वॉर विडोज के, तो हाइट में उनको 2 सेंटीमीटर की छूट, चेस्ट में उनको 1 सेंटीमीटर की छूट और वेट में उनको 2 kg की छूट है। और जो गोरखाज हैं उनके लिए हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर और वेट 48 kg, और जो ट्राइबल एरिया के हैं उनके लिए 162, ट्राइबल ऑफ रिकॉग्नाइज ट्राइबल एरियाज ऑल कैटेगरीज 162, और चेस्ट 77+5 और वेट चाहिए 48 kg। उसी प्रकार जो आपका इसमें जो फिजिकल इवेंट होगा वो 1600 मीटर का होगा, इसमें केवल आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, और इसका टाइम है आपका 5 मिनट 45 सेकेंड तक। 10 पुलअप्स लगाएंगे तो 40 नंबर, 9 पुलअप लगाएंगे तो 33 नंबर, 8 पुलअप 27, 7 पुलअप लगाएंगे 21 नंबर, 6 पुलअप लगाएंगे तो 16 नंबर, और 9 feet dips ये भी सिर्फ क्वालिफाई के लिए है, और zigzag ये भी सिर्फ क्वालिफाई के लिए ही है। तो नर्सिंग असिस्टेंट सेना में बहुत ही अच्छा ट्रेड है, जिसमें कि आप जाएंगे पहले वाई ग्रुप में, लेकिन जब आपके ट्रेड ट्रेनिंग चलेगी 1 साल की उसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको एक्स ग्रुप में डाल दिया जाएगा, जैसे कि उसमें डेंटल कोर, लैब असिस्टेंट या फिजियोथेरेपी या एक्सरे, इनमें आपको भेजा जाता है। तो ये तो हो गया नर्सिंग असिस्टेंट, और नर्सिंग असिस्टेंट को लेकर पूरी जानकारी आपको आई बटन में मिल जाएगी, वहाँ आप देख सकते हैं। और दूसरी जो भर्ती है वो है हमारे धर्मगुरु की। रिस्पेक्टफुल पद भी है जहाँ की एक बटालियन का कमांडर भी गुरुजी को प्रणाम करते हैं, तो बहुत अच्छा ट्रेड है ये। आइए जानते हैं उसके बारे में कि क्या क्या क्राइटेरिया इसका है। सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी के बारे में बता दूं। वैकेंसी जो है इसमें है पंडित जी की 108 वैकेंसी, जितने भी मैं कैटेगरी बता रहा हूँ पूरे सब आरटीजीसी यानी कि रिलीजियस टीचर, और दूसरे हैं पंडित जी गोरखा फॉर गोरखा रेजिमेंट, इनकी वैकेंसी है 5 और ये होनी चाहिए आपके हिंदू गोरखा कैंडिडेट ओनली, और थर्ड है आपके ग्रंथी साहब, इनकी वैकेंसी है 8, और फोर्थ है आपका मौलवी जिसमें कि आपकी कास्ट है सुन्नी और सुन्नी के 3 धर्मगुरु चाहिए, और उसके बाद मौलवी सिया फॉर लद्दाख स्कॉट, और ये लद्दाख स्कॉट के ही ये लद्दाख के मुस्लिम होने चाहिए सिया कैंडिडेट, इनकी वैकेंसी है 1, और उसके बाद पादरी की वैकेंसी 2 और बौद्ध मंक इनकी वैकेंसी है 1। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इनकी भी बिल्कुल डायरेक्ट एंट्री है और इनकी भी परमानेंट सर्विस है, यानी कि 4 साल वाला क्राइटेरिया इनको भी लागू नहीं है। अगर अब बात करते हैं एज लिमिट की, अगर एज लिमिट की बात करें
तो इसके लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो 25 साल से लेके 36 ईयर है, और जिसमें कि आपकी जो डेट होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ वो 1 अक्टूबर 1986 से 30 सितंबर 1997 के बीच में होनी चाहिए। सबसे पहले पंडित जी का जो एज का जो एजुकेशन क्राइटेरिया है वो उनका ग्रेजुएशन कम्प्लीट होनी चाहिए, और दूसरा उनका एक साल का या तो उनका कर्मकांड एज वन ऑफ द मेन कोर सब्जेक्ट ड्यूरिंग शास्त्री या आचार्य, या उनका वन ईयर डिप्लोमा इन कर्मकांड। बाकी आपके सामने ये पूरा क्राइटेरिया रखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसके अकॉर्डिंग जो जो आपका चाहिए, आपका आरटी ग्रंथी हो, आरटी मौलवी हो, आरटी पादरी हो या आरटी बौद्धिस्ट हो, पूरा डिटेल से दे रखा है। और उसके बाद में फिर होगा आपका मेडिकल, जो मेडिकल का आप देख सकते हैं पूरा लिस्ट दे रखी है। और अगर हाइट की बात करें तो जनरल की जो हाइट है वो चाहिए 160 सेंटीमीटर, और अगर गोरखा की बात करें तो वो चाहिए 157 सेंटीमीटर, और अंडमान और निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप इनकी जो हाइट चाहिए वो चाहिए 155 ओनली लोकल्स, चेस्ट 77 फॉर ऑल्स, और वेट चाहिए लद्दाखी के लिए 50 और गोरखाज लद्दाख रीजन के लिए 48। फिजिकल फिटनेस जो टेस्ट है उसके लिए 1600 मीटर का दौड़ होगी, जिसको कि आपको 8 मिनट में क्वालिफाई करना है। जिनका जो 5000 से लेके 9000 तक की हाइट के एरिया में रहते हैं उनके लिए 30 सेकेंड एक्स्ट्रा, और जो 9000 से 12000 तक की हाइट में रहते हैं उनके लिए 120 सेकेंड एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। अगर हम रिटर्न एग्जाम की बात करें तो इसमें रिटर्न एग्जाम इंटरव्यू और जो इसकी टर्म्स इनरोलमेंट है वो इस प्रकार है, 26 फरवरी 2023 को तकरीबन होगी ये, और जिसमें कि आपके 100 नंबर के पेपर होंगे जनरल अवेयरनेस का, और 100 नंबर का पेपर होगा आपका रिलीजियस का, तो जिसमें कि 100 में से आपको 40 नंबर लाने अनिवार्य हैं। टोटल क्वेश्चन आएंगे 50, और आपके जो रिलीजियस के भी आएंगे आपके 50, और पहला जो क्वेश्चन पेपर वो भी आएगा आपका मार्क पर क्वेश्चन 2 नंबर, और रॉन्ग में 0.5 की माइनस मार्किंग होगी। तो ये था क्राइटेरिया, बाकी आप पूरा पढ़ सकते हैं पूरी डिटेलमेंट के साथ में कि क्या नर्सिंग स्टैंड और क्या रिमाउंट वेटनरी कोर के बंदे का एजुकेशन क्राइटेरिया या उसका क्या सर्विस क्राइटेरिया होता है। बाकी इसका पूरा क्राइटेरिया पढ़ने के लिए आप जॉइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट कर सकते हैं। तो ये थी दो भर्ती, दोनों के बारे में आपको जानकारी दे दी है, और वापस कोई और नई भर्ती की अपडेट आएगा तो आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।